Hey everyone, welcome to the channel all about anthropology, and in this video we are going to solve 10 important anthropology UGC NET PYQs. इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोरोडोंटिज्म रिफर्स टू. टोरोडोंटिज्म से क्या मतलब होता है? क्राउडेड डेंटेशन, शॉर्ट जॉबोन, लार्ज पल्प कैविटी और थिकेंट इनामल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज लार्ज पल्प कैविटी. जो हमारे अर्ली ह्यूमिनिड्स थे उनमें जो है लार्ज पल्प कैविटी पाई जाती थी, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको टोरोडोंटिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड इज नोन एज. जब हम ब्लड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप एनालिसिस, हीमेटोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज हीमेटोलॉजी. मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी डाउट हो तो जो ये हीम वर्ड है ये ब्लड के लिए ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन. ओके, तो हीम क्या होता है? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड को कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हीमेटोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सैम्पल फॉर डेंड्रोक्रोनोलॉजी आर टेकन फ्रॉम. डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो कि एक डेटिंग मेथड है, इसके लिए हम सैंपल कहाँ से लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज लेक, सेकेंड इज रिवर, थर्ड इज ट्री, फोर्थ इज अमीनो एसिड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्री. जब हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के थ्रू डेटिंग करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम किसका सैंपल लेते हैं? ट्री. और ट्री में भी क्या, उसकी एनुअल रिंग जो होती है ट्री की, वो काउंट की जाती है और उस हिसाब से डेटिंग की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैरियोटाइप से क्या मतलब है? कैरियोटाइप रिफर्स टू. ऑप्शन ए टेस्ट ट्यूब बेबी, ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ टूल मेड अप ऑफ बोन, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सीक्वेंस, ऑप्शन डी फर्टिलाइज्ड एग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सीक्वेंस. जब हम क्रोमोसोम की स्टडी के लिए उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है कैरियोटाइप एनालिसिस, कैरियोटाइप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नियोलिथिक पीरियड एज रिवोल्यूशन. नियोलिथिक पीरियड को रिवोल्यूशन किसने कहा था? ऑप्शन आर लीके, ऑप्शन बी ब्रेडवुड, ऑप्शन सी ग्राहम क्लार्क, ऑप्शन डी गॉर्डन चाइल्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक पीरियड को क्या कहा था? रेवोल्यूशन बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रुथ बेनेडिक्ट रोड विच ऑफ द फॉलोइंग बुक. इनमें से कौन सी बुक रुथ बेनेडिक्ट की है? ऑप्शन ए पैटर्न ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी पैटर्न इन कल्चर, ऑप्शन सी कल्चरल पैटर्न और ऑप्शन डी कल्चर एंड पैटर्न. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कल्चर ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर. सो आप हमेशा इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसको हमेशा ध्यान से सॉल्व भी करें और पढ़ें भी. सो इसमें देखिए आप पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न इन कल्चर, कल्चर पैटर्न, पैटर्न कल्चर एंड पैटर्न. सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया गया है, बट इसको हमेशा इन क्वेश्चन को देख के ऑप्शन पर टिक करें. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज पैटर्न ऑफ कल्चर, रुथ बेनेडिक्ट की बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर क्वाइन द टर्म एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. एक्शन एंथ्रोपोलॉजी टर्म किस स्कॉलर का दिया हुआ है? आइए देखते हैं ऑप्शन. जूलियन स्टीवर्ट, सोलटैक्स, एयर क्रोबर और मेंडल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सोलटैक्स. सोलटैक्स ने एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो है टर्म क्वाइन किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछ रहा है, थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वॉज प्रपोज्ड बाई. स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी किसने दी है? लेविस्ट्रॉस, रेटली ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड और मार्विन हैरिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज लेविस्ट्रॉस. लेविस्ट्रॉस का फेमस कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नाइन्थ क्वेश्चन आज का आपसे पूछ रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन. मैन में क्रोमोसोम के नंबर क्या है, कितने होते हैं? सो द ऑप्शंस आर 42, 46, 44 और 40. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 46. हमारे ह्यूमंस में जो है वो कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम और 23
पेयर्स, तो अगर पेयर्स में पूछे तो 23 पेयर्स, और अगर नंबर्स में पूछे तो 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु रोट द बुक इंटाइटल फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक किसकी किताब है, लैमार्क की, डार्विन की, मेंडल की या गाल्टन की? सो फिलोसफिक जूलॉजिक इज़ अ फेमस वर्क ऑफ लैमार्क। लैमार्क की जो है बुक है फिलोसफिक जूलॉजिक। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन काफ़ी मैं कहूँगी इजी थे। सो आप सॉल्व करके देखिएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।